How many of us are concerned with these words? Goal, success, achievement. हम में से कितने लोगों के लिए शब्द महत्वपूर्ण है? Goal, success, achievement. All right. We have to go into them. और आपने कहा ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो समझना आपको ही पड़ेगा। मैं कुछ बातें आपसे बोल सकता हूं, लेकिन समझने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि जीवन आपका है और आप कह रहे हैं कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, समझना आपको ही पड़ेगा। What do we call as success? What is success? What is success? What is success? Success for you is simply the achievement of a goal, right? आप एक टारगेट सेट करते हो और अगर वो टारगेट आपको मिल गया तो आप कहते हो कि मैं सक्सेसफुल हूं। Am I right? That's what success is for you. All right. Now let's understand this. How many of us feel that we are often confused with about what to do, what decisions to take, what to study, when to study, when not to study, and other things in life. हम में से कितने लोग महसूस करते हैं कि कुछ ना कुछ confusion रहता है मन में? All right. Most of us. ये जो आप टारगेट बनाते हो, ये टारगेट कहां से निकलता है? आपके माइंड से, राइट? अभी अभी हम कह रहे हैं कि हमारा माइंड अक्सर कंफ्यूज रहता है, करेक्ट? एक कंफ्यूज मन से कैसे टारगेट्स निकलेंगे? कंफ्यूज इन कंफ्यूज टारगेट्स को अगर आपने पा भी लिया तो क्या आप उसे वाकई सक्सेस बोल सकते हो? बोल सकते हो क्या? और जैसा मन होता है वैसा ही टारगेट बन जाता है। एक उग्रवादी का मन होता है जैसा, उसी के मुताबिक वो टारगेट बनाता है कि इतने लोगों को मार देना है। एक साइंटिस्ट का जैसा मन होता है उसी के मुताबिक टारगेट बनाता है। जैसा आपका मन वैसा आपका टारगेट, और मन रहता है कंफ्यूज। तो ऐसे मन के बनाए हुए टारगेट्स को पा लेने का नाम क्या सक्सेस हो सकता है? लेकिन नहीं, हमने तो सक्सेस को यही मान रखा है कि मैं सोचूंगा कि ये मिल जाए तो बहुत अच्छा, और अगर वो मिल गया तो मैं कहूंगा बात सक्सेसफुल हो गई। और हम ये नहीं देखते हैं कि सक्सेस के हमारे सारे पैमाने, सारे बेंचमार्क्स लगातार बदलते रहते हैं, क्योंकि हमारा मन पर्सन का मन है, वही जो आपने सेक्टर्स बनाए थे, अभी सर्किल बनाया था, उसके बहुत टुकड़े हैं। इट्स अ हाईली डिवाइडेड माइंड। कभी कोई टुकड़ा हावी होता है तो कभी कोई टुकड़ा हावी होता है, और जो टुकड़ा हावी हो जाता है उसी के मुताबिक मेरी सक्सेस की परिभाषा बदल जाती है, क्योंकि मेरे गोल बदल जाते हैं, क्योंकि मेरे गोल बदल जाते हैं। मेरे गोल मेरे हैं ही नहीं, मेरे गोल मेरे मन पे जितने प्रभाव है उनका नतीजा है। मैं माने बैठा हूं कि मेरे गोल है, पर मेरे हैं नहीं वो। वो एक इंफ्लुएंस कंफ्यूज माइंड की उपज है, और ऐसे गोल्स को पा लेने का नाम सक्सेस कतई नहीं हो सकता। हम जिन चीजों को सक्सेस मान के बैठे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट कि क्या उनको सक्सेस कहा भी जा सकता है। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट व्हाट इज अवर क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस। ये बात समझ में आ रही है? अभी टुगेदर ऑन दिस, अभी तक बात समझ में आ रही है क्या?
If these goals that emanate from our mind, अगर इनका नाम सक्सेस नहीं है तो सक्सेस फिर कुछ और होगी, निश्चित रूप से कुछ और होगी. एंड व्हाट इज दैट सक्सेस? लेट्स लुक एट द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल. लेट्स लुक एट द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल. उसके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं है. इट इज नॉट एन इन्फ्लुएंस माइंड. इज इट एन इन्फ्लुएंस माइंड द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल? इज इट एन इन्फ्लुएंस माइंड? उसके भी हिस्से है क्या? जो आपने दूसरा स्फीयर बनाया था उसके भी हिस्से है क्या? नहीं है ना. ओनली सच अ माइंड कैन बी अ रियली सक्सेसफुल माइंड. बहुत मजेदार इंप्लीकेशन है इस पूरी चीज की. वो ये है कि इससे पहले कि मैं किसी गोल के पीछे भागना शुरू करूं, इससे पहले कि मैं किसी टारगेट के पीछे भागना शुरू करूं, मुझे ये जांच लेना होगा कि वो मेरा अपना टारगेट है भी या नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी प्रभाव के तले, किसी इन्फ्लुएंस के तले, किसी का स्लेव बन करके उस टारगेट का पीछा कर रहा हूं. ये स्लेव किसी टारगेट का पीछा करे, उसको पा भी ले, तो वो टारगेट उसका नहीं है, उसके मालिक का है. उस स्लेव को उसमें क्या मिल जाएगा? यानी सक्सेस की पहली शर्त ये है कि मैं जो पाना चाहता हूं वो मेरी फ्री विल से निकला हो, वो मेरे मन पे पड़े, वो मेरे मन पे पड़े, किसी प्रभाव का नतीजा ना हो. Now are we prepared to inquire that? क्या हम पहले ये जांचने के लिए तैयार हैं कि हम ऐसा रहे? Only if we are deeply concerned about ourselves, only if we are really loving to ourselves, तो फिर हम ये देखना चाहेंगे. तो फिर हम ये देखना चाहेंगे. नहीं तो नहीं. देखेंगे? I go and speak in so many campuses. The question that students often ask is, sir, how do we achieve success? How do we achieve our goals? और मैं उनसे कहता हूं, तुम कभी ये क्यों नहीं पूछते कि ये जो मैंने गोल बनाया है ये मेरा है भी कि नहीं, ये गोल पाने लायक है भी कि नहीं? तुम्हें तो सारे गोल्स बाहरी वातावरण में कमा लिए हैं और तुम उनके पीछे पीछे चले जा रहे हो. सो डू नॉट आस्क हाउ डू आई गेट सक्सेस, आस्क वेदर दिस इज सक्सेस एट ऑल. Whether this is success at all, ये पूछना ज्यादा जरूरी है. आप में से कुछ लोगों को कम से कम ये बातें समझ में आ रही है. जैसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल पावर है जो हमारे मन को कंट्रोल करती है. जोर से बोलो. जो एक्सटर्नल पावर है जो हमारे मन को कंट्रोल करती है वो कहां से जनरेट होती है? चारों तरफ. यस सर. हर तरफ लगातार. तुम्हारे लिए इस वक्त यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो सब एक्सटर्नल पावर ही है. लगातार तुम्हारी आंखें तुम्हें कुछ दिखा रही हैं, तुम्हारे काम तुम्हें कुछ सुना रहे हैं, तुम्हारे मन में लगातार विचार आ रहे हैं. ये सब एक्सटर्नल चीजें ही हैं. जो भी तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं भी तुमसे अभी बोल रहा हूं, ये एक्सटर्नल बात की है. अगर इसको समझोगे नहीं तो ये तुम्हारी कंडीशनिंग बन जाएगी. तो एक्सटर्नल कहां से आता है मत पूछो, सब कुछ एक्सटर्नल ही है. तुम्हारे दोस्त हैं वो एक्सटर्नल है, तुम्हारी किताबें हैं वो एक्सटर्नल है, पेरेंट्स, सोसाइटी, टीचर्स, सब एक्सटर्नल है, रिलीजन सब एक्सटर्नल है, इंटरनल कुछ नहीं है, सब एक्सटर्नल ही एक्सटर्नल है. और
कि सर हम एक तरफा कहते हैं कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, परंतु ये हमारा कल्चर नहीं है, क्योंकि हम अपने बारे में ही सोचेंगे तो हम अपने पेरेंट्स इनको इनसे हमारे विचार मेल नहीं खाएंगे तो हम इन्हें छोड़ देंगे। ये तो पर हमारे ऐसे बॉडी के पार्ट्स हुए, तो कोई अपने बॉडी के पार्ट्स होंगे तो छोड़ नहीं सकते। कि तुम्हें बेटा ये तुमने खुद जानना है कि कल्चर क्या होता है। ये जो कल्चर है, कल्चर मतलब जीने का तरीका, इसका निर्माण तुमने खुद करा, खुद नहीं करा ना। ये एक बाहरी तत्व है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करा दिया गया, ठीक है। क्या ये तुम्हारा अपना अनुभव है कि फैमिली मेंबर्स बॉडी के पार्ट्स होते हैं? क्या घर में किसी को किसी के हाथ में चोट लगती है तो तुम्हें ठीक उसी तरह दर्द होता है जैसे तुम्हारे अपने हाथ में चोट लगने पर? क्या तुम्हारी मौत जब आएगी तो तुम्हारे साथ दो चार और लोग भी चल देंगे? जैसा होता है कि शरीर का अगर जब मौत आती है तो शरीर में एक हाथ मरता है तो दूसरा भी मरता ही है, सबकी मृत्यु एक साथ होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि कंधा मर गया पर पेट अभी जीवित है, पूरा शरीर एक साथ मरता है। तो ये क्या तुम्हारा अपना अनुभव है कि घर वाले शरीर के अंगों की तरह होते हैं? ये भी एक डायलॉग मात्र है, एक प्रपंच मात्र है, तुमने कहीं से सुन लिया है। किसी हिंदी फिल्म का डायलॉग होगा कि तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, तू मेरा दाहिना हाथ है, ये सब बातें भाषा में मुहावरों की तरह बड़ी इस्तेमाल होती है। पर क्या ये तुम्हारा अनुभव है? तुमने ऐसा माना जाना है, देखा है? नहीं। सच तो ये है कि फैमिली हो या कुछ भी हो, ये सब बाहरी प्रभाव ही है। और तुम कहते हो कि तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो, उनके साथ रहना चाहते हो, यहाँ पे तुम नाम अपने परिवार जन का ले रहे हो, ठीक है ना। पर मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि एक आदमी जो खुद होश में नहीं है, क्या वो किसी की भी मदद कर सकता है? जिसे अपना होश नहीं, जैसे एक शराबी, वो किसी और की मदद कर सकता है क्या? किसी और की मदद करने के लिए भी सबसे पहले तुम्हें अपना होश होना जरूरी है। मैं कौन हूं, मेरे मन में क्या चल रहा है, पहले खुद को जानोगे तभी तो कुछ और कर पाओगे ना, क्योंकि सब कुछ तुमसे शुरू होता है। नहीं बात समझ में आई? अंधा दूसरे को रास्ता दिखा सकता है क्या? तो पहली जरूरत क्या है कि अपनी आंखें खोलो। और पूरा HIDP लगातार लगातार तुमसे यही कहता रहा है कि अपने ऊपर ध्यान दो, खुद जागृत हो। एक ऐसे दिए में जिसमें ज्योति है, उसी दिए से दूसरे दिए जल सकते हैं कि नहीं? एक बुझे हुए दिए से दूसरे दिए जल सकते हैं क्या? तो सबसे पहले तुम्हें खुद जागृत होना पड़ेगा, अपनी रोशनी पानी पड़ेगी। जब अपनी रोशनी पाओगे तभी दूसरों तक भी कुछ कर पाओगे। ये बात स्पष्ट हो रही है बेटा? इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम्हारे मन में जो बातें भर दी गई है मैं समझ रहा हूं, पर तुम अपनी आंखें खोलोगे तो तुम जानोगे कि ये सब गलत था, ये ठीक नहीं है जो मुझे बताया गया। कल्चर के नाम पे जो भी बुद्धि मैंने पी ली है उसमें सत्य कहीं नहीं है। अपनी तुम्हारे पास सिर्फ अपना ही दिमाग है ना, इसका इस्तेमाल करो। ये बुद्धि, ये विवेक तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि तुम इसका इस्तेमाल कर सको। जो आदमी अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ना करे वो इंटेलिजेंस का अपमान ही तो कर रहा है। मुझे हाथ दिया गया है, ये हाथ है मेरे पास, मैं इसका इस्तेमाल ना करूं तो मैं क्या कह रहा हूं होशियार? इसी तरीके से इंटेलिजेंस की ताकत तुम्हारे पास है ना, तुम उसका इस्तेमाल ना करो तो तुम क्या कहलाओगे? पर तुम्हारे मन में ये बात कभी नहीं आती कि हाथ का इस्तेमाल ना करो। मैं तुमसे कहूँ हाथ का इस्तेमाल क्यों करते हो तो तुम कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, हाथ पाँव का इस्तेमाल तो करना ही होता है, पेट का इस्तेमाल तो करना ही होता
शरीर के हर अंग का तुम इस्तेमाल करते हो, पर जो तुम्हारा पूरी तरह से अपना है, शरीर से भी ज्यादा अपना है, तुम्हारी अपनी मेधा, उसका तुम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। क्यों? क्यों गड़बड़ हो गई ना, दिक्कत हो गई ना? बोलो। अगर मुझे तुमने वाकई प्रेम है तो क्या मैं तुम पर शर्तें ठोकूंगा? क्या मैं तुमसे ये कहूंगा कि तुम इस तरह चलो तब तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये मेरी शर्त है, और अगर तुम इस तरह नहीं चलोगे तो तुम घर से निकल जाओ? पर अगर मैं ये कर रहा हूं तो फिर प्यार नहीं है, कुछ ना कुछ व्यापार चल रहा है कि तू मेरी सुन तब तक तू मेरे घर में रह सकता है, एक हाथ दे एक हाथ ले। जहां प्रेम होता है वहां शर्तें तो नहीं लगाई जाती कि अगर तू मेरी कल्चर मानेगा, अगर तू मेरी पिलाई हुई बुद्धि पिएगा, मेरे नियम कायदे पे चलेगा तो तू मेरे परिवार का हिस्सा है, तो तू मेरा बेटा है, और अगर नहीं है तो फिर जा। तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। पर हमारा समाज ऐसा ही है, तुम देखते नहीं हो इतनी ऑनर क्लेम्स होती है कि वैसे तो मेरी बड़ी प्यारी बेटी है, बड़ी अच्छी बिटिया है, पर बिटिया ने जाकर के किसी और जाति के आदमी से, किसी और धर्म के आदमी से शादी कर ली तो मैं उसी बिटिया को मार डालूंगा। अब निश्चित रूप से इस संबंध में कहीं प्रेम था ही नहीं, पहले भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि प्रेम अभी कम हो गया, इसमें प्रेम कभी भी नहीं था। बिटिया ने भूल ये नहीं की कि वो दूसरे आदमी के साथ चली गई, बिटिया ने भूल ये की कि उसे उस घर से बहुत पहले चले जाना चाहिए था, उसे अपनी आंख खोल के स्पष्ट देख लेना चाहिए था कि यहां पर प्रेम कहीं है ही नहीं, और अगर चली जाती तो उसकी जान बच जाती। ऐसे मुर्दा संबंधों को ढोने से फायदा क्या जहां पर ये लेन देन की प्रक्रिया चल रही है?